शक्ति सिर चढ़कर बोलती है, शक्ति के कारण बड़े से बड़े धुरंधर छुचंदर बन जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका इतिहास ओछी शरारतों से भरा पड़ा है, शक्ति से नहीं इच्छा शक्ति के डर से कुएं के डोल पर झूल रहा है। मतलब भारत में पनपी इच्छा शक्ति ने इस मुल्क की हालत उस व्यक्ति वाली कर डाली है जिससे जितनी दूर बदरिया है उतनी दूर कुएं का पानी। यानी कुएं के डोल पर लटक रहा है देश बस उस मांद की तलाश में है जहां सुकून की सांस ले सके। पर पाकिस्तान जिस बाजी के पलटने के इंतजार में झूलम झूला खेल रहा था, अब उस रस्सी पर भी आफत आने वाली है। यानी पाकिस्तान को फिर से ठोकने के लिए भारत की इच्छा शक्ति वाली सरकार की सुगबुगाहट से पाकिस्तान के कुर्ते की सलवटें सख्त होने लगी है। अब पाकिस्तान अपनी फटी हुई लंगोटी को लपेटकर अपनी जिस्म फरोशी बचा ले जाना चाहता है। पाकिस्तान के भीखमंगे वजीर आजम को एहसास हो चुका है कि भारत में फिर से वही सरकार आने की उम्मीद है जिसे रात के अंधेरे में पाकिस्तानी तहमदों में सुराख करने की आदत है। उसे पता है यह सरकार बात कम करती है और पिटाई अधिक। शायद इसी घबराहट के कारण पाकिस्तान ने सरगोधा, पंजाब और सिंध एयरबेस से अपने F-16 विमान इधर उधर कर दिए हैं। दरअसल बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के 75 दिन बाद भी पाकिस्तान को अपने फ्रंट लाइन फाइटर जेट F-16 की सुरक्षा की चिंता सता रही है। यानी जिस F-16 के भरोसे पाकिस्तान ने बेसुरी सीटी बजाती पाकिस्तानी जनता के सामने गधैया डांस किया था, अब पाकिस्तान उन्हें छिपाता फिर रहा है। वह उन्हें अपने एयरबेस से हटाकर देश के भीतरी एयरबेस पर तैनात कर रहा है, या ये कहे कि कर दिए गए हैं। पाक को डर है कि यदि भारतीय सेना उसकी पतलून उधेड़ने आती है तो नुकसान कम से कम हो। मतलब भारतीय सेना को जो भी करना है चुपके से करके निकल जाए, बाद में F-16 उड़ाकर पाकिस्तानी जनता के गाल बजवाने की खाना पूर्ति कर ली जाएगी। बालाकोट स्ट्राइक और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में भारत से शिकस्त खाने के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान की मेडल छाप आर्मी अपने बर्तन भांडे लेकर निगरानी करने चली आई थी। पाकिस्तान ने डर और दहशत के कारण सीमावर्ती इलाकों में अपने 300 से अधिक टैंक तथा सरगोधा, पंजाब और सिंध एयरबेस पर अपने F-16 विमानों को तैनात कर दिया था। यह टैंक तो आज भी इस भय से सीमा से जाने को तैयार नहीं है कि कहीं भारत फिर से ठोकने ना आ जाए। जाना तो F-16 भी नहीं चाहते थे, पर पाकिस्तान को अब सबसे बड़ा खतरा इनकी सुरक्षा को लेकर सता रहा है। पाकिस्तान को फिक्र है कहीं भारत मिसाइल या हवाई हमला करके F-16 को फालतू का बड़ा ना बना दे। बड़ी बात यह है कि भारत में पुरानी सरकार के आने के टेलीविजन शर्मों ने पाकिस्तान सरकार और पाक आर्मी की नींद उड़ा डाली है। यानी बार बार ठुकाई होने के बाद एक महीने के लिए पाकिस्तान को जो सुकून मिला था अब वह जाने वाला है। अब पूरे 5 साल तक दुनिया में इन्हें बिना लंगोटी वाला बंदर बनकर घूमना पड़ेगा। मतलब लाल तशरीफ वाला बंदर पाकिस्तान। भारत की इच्छा शक्ति वाली सरकार की खूबी पाकिस्तान को पता है। मतलब यह सरकार राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती, पर पाकिस्तान की ठिकानी पर मार देकर भी इस सरकार के अरमान अधूरे ही चल रहे हैं। यानी जिस दिन यह सरकार गद्दी संभालेगी पाकिस्तान की पिटाई का नया प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया जाएगा। हालांकि इमरान खान ने परिस्थितियों को भांपते हुए मोदी सरकार के आने की बातें करके राह आसान करनी चाहिए थी, पर यह सरकार इस मामले में मूढ़ी किस्म की है। यानी यह सरकार मक्खन पर नहीं फिसलती है। वैसे भी भारतीय वायुसेना की निगाह में पाकिस्तान के F-16 काफी खटक रहे हैं, इसीलिए इमरान खान ने सबसे पहले उन्हें ही भारत की आंखों से दूर करने का प्रयास किया है। पर भारतीय सेना भी अब कमर कस रही है। सेना को भी लगता है कि नया प्रोग्राम कभी भी शुरू हो सकता है। शुरू नहीं भी किया तो उसके रिहर्सल करने का आदेश तो आ ही सकता है। भारत ने फिर से सीमा के आसपास अपनी तैनाती शुरू कर दी है। इसके लिए एडवांस आर्मर्ड फोर्स को भी तैनाती के लिए बोल दिया गया है। साफ है भारत पाक सीमा पर फिर से कुछ खिचड़ी पक रही है। पाकिस्तान बचाव की मुद्रा में तहमद हवा में लहराता हुआ इधर उधर छिपता फिर रहा है, जबकि भारतीय सेना सीमा पर शिकंजा कस रही है। यानी पुरानी सरकार के आने के संकेतों ने भारतीय जवानों के भीतर भी जोश भर डाला है। मतलब पाकिस्तान के साथ अंधेरे में पिटाई का खेल एक बार फिर शुरू हो सकता है। अब पाकिस्तान F-16 छिपाए या सामने लाए, उसकी कोई भी गलत हरकत भारत के हाथों से उसे बचा नहीं पाएगी। कम से कम इस सरकार के 5 साल के कार्यकाल में उसे भारत की तरफ पिछवाड़ा करके ही सोना पड़ेगा। अगर कुछ हिमाकत की तो उसके लिए पाकिस्तान को बताने की जरूरत नहीं है कि फिर भारत क्या करता है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।